ईसा लर कहवा ईसा सार मुरी गाड़ी का माटी कूड़ा में भल्ला हो थी सार चल हैं हई डीजल डूबे न करिए पेट्रोल डूबे न करिए सार अमूरी गाड़ी के प्राण लीने रहा थी सास के लड़कावा। अब इन्हें सार इनका मैं गाड़ी न छुए दो हूँ छुई तो सार इनके 500 पनही मरियो खपरी में तेली की फुलई। अब जाम विधायक जी के आज मीटिंग हवे नल पास करुआ कह मुही फिर सार कौनो आ जा कह दे पंडित जी कथा मोर सुना दया चल के तो ससु खर्चा भर नहीं निकरत का है फालतू का सार इनके लगे जाके कथा सुना कह। पंडित जी प्रणाम, कहाँ के तैयारी बन गए मौत थोड़ी काम है चल के करवा गया कहाँ जाते हो तुम मुझे छोड़ के करतल वाली ते कहाँ गई है तो आका काम आए हो वे वहाँ काम पंडित जी उल्टा भौरी करवावा कहाँ चल के परवा दे मोई उल्टा भौरी। अरे करतल वाली हैं साऊं साऊं तो भौरी परे पढ़ने में पड़ती हैं अत उल्टा भौरी पौरो आओ थिया। महाराज मां मड़ई कहा थे कि हम तुही तलाक दे दो छुट्टा छेड़ा दे दो चल के मो उल्टा भौरी परवा गया। का कहे करतल वाली सही तो कहा महाराज अम्मा का छोड़ के दूसर ब्याह कर लो। कैसे दूसर ब्याह कर ले उन्हें ढूंढ ली नहीं का पहले है से ढूंढे उन्हें नहीं मिल गई है तमाम। और तो कौने मंदिर में चले कह बता भी कितना मुआर मेहनताना दे उल्टा भूरी परुआओं का ऐसे मोर आज विधायक जी से मीटिंग आए मुँह नल पास करुआओं का है समझे समय नहीं मोह लगे ज्यादा जाऊं तुम्हार मेहनताना लागे पंडित जी उल्टा भौरी का दे दिन गई चला वही है वही वही मंदिर में बातचीत हुई। चल पी आगे हो महु चलो तो पाछे पाछे। हे प्रभु भोलेनाथ ये महर ये कटम बुद्धि गया हम उसे तलाक लें का फिर रखी है हम ऐसी कुल भी नहीं ना ले तो ये डर से मुझे तलाक दें का प्रभु कहाँ लागे थी मैं का करूँ प्रभु मेहरिया के मोहियाचरण को समझ में नहीं आते हैं। अब बताओ प्रभु पंडित कलवाऊंगे उल्टा फेरा डालवाऊंगा का यह तो निक भलक प्रभु निक बात आ कहूँ तुम्हें समझाओ है सदबुद्धि दिया प्रभु प्रभु यही सदबुद्धि दिया कम से कम तलाक न दे मही नहीं जताना का सुख न पाई कताओ ये जो चौड़िया नहीं नहीं तो प्रभु मुझे गुस्सा लागे तो मार दूँ गोली खानदान न बोली फिर यह मान के चला यह एक मुँह लगे लास्ट चारा है। कहा भगवान से मुँह शिकायत कर रहे हो मुँह तुमसे तलाक चाहिए उल्टा भौरी चाहिए यह बात समझ नहीं रहे सकले बंदे तुम मुँह चाह लो आओ चाह ना लो आओ। अरे मोरी चाइना एक्सप्रेस तोरे कभी बुद्धि आई जब मैं तुझसे कह दी ना कि मुझे तुम्हें तलाक नहीं देगा कहे जबरदस्ती मुझसे तलाक लेगा बैठे कब परेशान रही है जिंदगी भर तक दुख पाई है हमारे ड्राउकन के तो कोनो ऐसी तैसी बेगारे रही हाँ या मान के चल मो बात मान ले कहा सुन ले मो अब फालतू का पंडित जी हन का परेशान करेगा चली गई ले वालों का है कहा रे तुम्हें भौरी अंगुरी उल्टा डरवावा कह कि नहीं हाँ कहे यार भौरी उल्टा डरवा रहे हो फालतू का परेशान कर रहे हो मुँह का मेहरिया का दुख दिया था महाराज प्रणाम खुश रहो तुमका महाराज ये उल्टा भौरी डाँव गलवा लाई है हैं तुम्हारे लगे हो कुछ काम धंधा नहीं रहा का मोर उल्टा ब्याह करवा आ गए हो। ससुर राधा कहे मैं नहीं ब्याह करूँगा मैं आवा हूँ तो मेहरिया मुँह लवा के आई है
1,000 रुपया दें का कहा, स्कूल टा भौरी डरवई है तो मैं तुम्हें 1,000 रुपये दहूँ। बताओ 1,000 रुपया दहे कि ना दहे, कहे से मो ज्यादा समय नहीं है, भरोसा न हो तो मेहरिया से अपने पूछ ले कि मुझे 1,000 दे का कही सी कि नहीं कहेस। हाँ 1,000 दे का कहे हो, नहीं कहा पंडित जी हमका 1,000 दे का, और तुम चला भौरी पर वावा उल्टा, बस मैं तुमरे साथ है ना रही हूँ, अब तुम मुझे बहुत परेशान करत हो। जाओ करत हुआ तो जल्दी करा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे विधायक जी के एठम वो मीटिंग है। महाराज तुम्हारा मीटिंग है तो जा आराम से, वही भौरी ओरी उल्टा नहीं डरवाओ का है, समझा। मैं यहाँ से आया हूँ, मुझसे कही तो मेहरिया कि उल्टा भौरी डरवाओ का है, मैं आऊँ तो मैं समय न बर्बाद भा, मुझे पैसा चाहिए 1,000 रुपया, 1,000 नहीं देगा तो 500 दिया। रुक जा फिर, मैं करबी वाली भाजी का फोन करत हो, वह तुम्हें दे 500 रुपया, बुलाओ तो वही मैं करबी वाली भौजी पैन पर। हाँ कबरा भैया, बतावा कसत याद की ना। करबी वाली भौजी मुहका तलाक दे का कहा थी करतल वाली, यही के मारे मैं तुम्हें फोन की ना हूँ। अब पंडित 500 रुपया मांगत है, कहा था 1,000 होती पर तुम मुहे 500 रुपया दे दिया, मैं तुम्हें उल्टा फेरा करवाए दिया था। अब बताओ मैं करबी वाली भौजी यही छोड़े नहीं चाहता हूँ, मेहरिया बहुनी की मोरिया पर जरा जरा बात में मुझे तलाक दे का कहाँ लगी, नाराज हो जाती मोए ऊपर, बताओ मैं क्या करूँ। चिंता न कर कबरा भैया, वो पंडित कर रहा किराक वहीं रहा मंदिर में, मैं आऊँ थी। आओ करबी वाली भौजी, आओ थी करबी वाली भौजी, रुक जा करवाओ थी उल्टा भौरी। हाँ कबरा भैया बता कहूँ, पंडित क्या मांगा था 500 रुपया उल्टा भौरी डरवा मैं का। पंडित आए करबी वाली भौजी मांगा था 500 रुपया उल्टा फेरा डरवा मैं का, अब मैं कहा था मुँह मेहरिया से फेरा न पड़ी है, तो यह कहा था कि तो फेरा उल्टा मेहरिया डाँव का कही से मुझसे तब लेवा के भी लाई है, मुँह 1,000 रुपया भी देगा कही से। कहे पंडित यही जाने का तुम्हारा धर्म कहा था, एक डर की ब्याह हो दूसरे डर की तो उल्टा भौरी डवा, तो मैं 1,000 रुपया मांगा सा, 1,000 न दें तो 500 तुम्हें दे दें। करबी वाली मैं अपने मन से नहीं इनके भौरी डाँव में आया, या मुँह के लेवा के लाई है समझा, अपन वही से पूछ लिया कार्टल वाली से, अब मुही 500 रुपया मैं कहूँ, लेकिन अब तुम्हारा मर्जी है तो तुम न दिया मुही आको, अब मैं कोनो बात नहीं, मैं तो सोचता रहा कि सार कोनो में कोनो शनिचर मोई कुंडली में आज के बैठ दे फिर। करबी वाली मैं अब जाता हूँ, कहीं आ गई है अपन निपटारा करा। ठीक है पंडित अब तो जा, लेकिन अब ध्यान देना ये तना कौनों के उल्टा भौरी न परवाइस, ऐसे बहुत बड़ा पाप हुआ था छोड़ा त्वारा न सही कौनो इंसान का, जहाँ तक हो सके तो बनाओ की कोशिश करे, ये जिंदगी बड़ी दुर्लभ में मिली थी, समझे पंडित जा आराम से। करतल वाली इतनी बड़ी मोह सहेली है, अब मुझे इतना मानत है देख के बाद अपने पति का तलाक दे आ गई मड़ाई का है, अगर जो करो भैया मुझे बताओ तुम पता ना रहे तुम्हारा तलाक छुटका छड़ा हो जाए हैं, कहे तलाक दे आ गई रही है बता तुम का तकलीफ का दुख है बोल। जिज्जी मुझे कुछ तकलीफ नहीं है करबी वाली जिज्जी, मुझे टिकुली बिंदी नहीं लगा उठी है यहाँ जब नहीं तो मुझे कर दें तो ये काम कर ले वो काम कर ले आज कर ले उस कर ले का खाना बना ले चूल्हा पोट ले बर्तन लगा ले ये सब का काम कर दी, तो बताओ मैं क्या करूँ इनसे, मैं परेशान हो गया तू एक मारे महीने तलाक देती रहा। अरे बेवकूफ हर रहाई मड़ाई साठ फेरा डाल के लावट है, वही के पाँव डबाई है सेवा करी है वही खाना बना के दे वही के बाप महटाइन का खाना बना के दे, यह तो तोरी जीवन का सच है करतल वाली, अटाई ताना के काम से डर रही है तो जिंदगी नरक हो गई समझे, तो ताना के काम ना करा कर समझे, चल आराम से घर ठीक है। हाँ पर भी वाली दीदी जो कुछ कही है इतना वहा करी हूँ, आई इनकी बातें जो ताना कही है वही ताना मैं इनका काम करी हूँ ठीक है। चल गुरुआ भैया।
कहूँ घर आए हाँ करबू वाली भौजी तुम वहाँ घर बचा लेने आज उड़ रहे से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया हरा ध्यान देना करबू वाली दीदी का, इनका वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई भौजाई का सबका दिखावा आराम से और रिश्तेदारी में हर जगह शेयर करा, कहे से घर बचौती हैं घर तोड़ती नहीं, समझा बहुत बड़ी मुसीबत से आ बच गई हूँ, नहीं मैं आज ये मान के चला कि वहाँ तालाब छोटा सेड़ा हो जाए, समझा करबू वाली दीदी बचा ले हैं वहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद करबू वाली दीदी का। जयराम भैया सुन लिया सब जने तेरे ही तुनवारी बांधा चुगली की सासों नन्नव ये जाना तुम कतो न कीनिया, कहे से ये जीवन अमूल है, पति पत्नी का जोड़ा एक दूसरे के पूरक हुआ थे तो ये जाना का काम कतो गलत न करा, अपने दिमाग से ये सब बातें बिल्कुल हटा दिया, समझा। और तेरे ही तनवारी बांडा चुगली का लाइक करा सब्सक्राइब करा शेयर करा। जय राम जय श्री राम।